चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई थिंक आप लोगों ने सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया होगा, सो लेट्स स्टार्ट। इस तरह से अब हम ये पेपर ले लेंगे, A4 शीट, कलरफुल भी ले सकते हैं हम, इसकी जगह इसमें वाइट पेपर यानी कि ड्राइंग पेपर भी यूज कर सकते हैं। और इसको हमने इस तरह से पीसेस में काट लिया है। देखिए मैंने से ये पहले से इसको काट के रखा हुआ है, ये इस बड़ा फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। देखिए इस तरह से ये हो गए, हमने इसके तीन साइज काटे हुए हैं। अब इसको हम फिर से कट करते हैं। इस शीट को हमने स्क्वायर शेप में कट किया हुआ है, इसको हमने ऐसे ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल बनाने के बाद हमने यहाँ से इसको कर्व बना के इस चैनल और फिर इसकी लीफ को कट कर देंगे। तरह से हमने कट कर दिया इसको, लुक एट दिस, इस तरह से ये तैयार हो गई। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड किया, इसको यहाँ से फोल्ड किया, इस तरह से यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसी तरह से। अब इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर लिया। Look at this. इस तरह से ये तैयार हो गई ये कोन। अब इसी तरह से ये सारी कोन इन सारे पेपर्स की हम बना के तैयार कर लेंगे। देखिए अब हमने इस तरह से ये सारी कोन तैयार कर ली, ये सारी कोन हमारी तैयार हो गई हैं। अब इसको हमको पेस्ट करने के लिए बेस चाहिए। बेस हम अपनी पुरानी नोटबुक या फिर कोई बुक यूज़ कर सकते हैं, जिसका हम गत्ता यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने ये लिया है इसका ये हम गत्ता यूज़ कर सकते हैं। इसमें इस तरह से यहाँ पर हाफ सर्कल में हम कट करेंगे। देखिए अब हमने इसको यहाँ पर कट कर लिया इस तरह से, अब हम इसको यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे। इस तरह से हम इस सबको इसमें पेस्ट कर लेंगे इस शेप में। जैसे हमने ये इसको पेस्ट कर लिया है, अब इसके ऊपर अब हम इस तरह से सारे इनके बीच में यहाँ पर ये पर्पल वाले सारे सेट करेंगे। लाइक दिस हमने ये इसको कर लिया। अब ये जो पिंक वाले बचे हैं हमारे, इनको लगाएंगे इनके बीच में लाइक दिस। देखिए अब इसको यहाँ पर ये जो यहाँ पर बीच में सर्कल बना हुआ है हाफ सर्कल, यहाँ पर हम इसको डेकोरेट करने के लिए कोई फ्लावर बना सकते हैं इन्हीं पेपर से, जो इसकी कटिंग बची हुई है इन्हीं पेपर से हम इसका फ्लावर बनाएंगे यहाँ पर सजाने के लिए। इस तरह से ये कटिंग बची हुई है, इसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया फ्लावर को। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब इस तरह से ये इसमें फोर लीव्स का ये फ्लावर बन गया। अब इसकी हम वन लीफ को इस तरह से कट कर देंगे
इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अभी इसको तैयार इस तरह से तैयार हो गया। अब इसके जो ये वाले कलर हैं, अब इसके ये जो कलर हैं पर्पल एंड पिंक, इसी इस तरह से इनके भी यही फ्लावर कट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये तीनों कलर के ये फ्लावर कट करके एक दूसरे में इसमें पेस्ट कर लिए छोटे बड़े बना के, और फिर इसमें यहाँ पर फेविकोल लगा के लुक एट दिस। अगर हम अब इसको डेकोरेट करना चाहें, अभी इसमें और भी डेकोरेशन कर सकते हैं। हमारे पास इसमें इस तरह से ये बीड्स रखे हुए हैं, हम इसको यहाँ से इस तरह से इस तरह से ये हमने तैयार कर लिया। मैंने यहाँ पर ये बीड्स लगाए हुए हैं स्टोन्स। अगर आप इसके जगह आपके पास और भी कोई डेकोरेटिव मटेरियल हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप इसी तरह से इसको बनाएं, इसी तरह से डेकोरेट करें। आपके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का मटेरियल है, तो वो आप उस तरह से उसको और भी अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से आप, मैंने यहाँ पर ये क्यूलिंग के ये स्ट्रिप बना के रखी हुई है यहाँ पर स्प्रिंग, इस तरह से आप इसको भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप ऑलरेडी स्कूल में यूज़ करते ही हैं। तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। ये आपका वॉल हैंगिंग तैयार हो गया। आप इसको अपने वॉल पर कहीं भी सजा सकते हैं और भी अच्छा इससे और भी अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। और इसका पिक लेकर इसको टेन ऊपर सेंड कीजिए और टिल 3 o'clock इससे भी और भी ज़्यादा अच्छा आप बना सकते हैं। और इसके अलावा और भी कोई डेकोरेटिव मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए और भी अच्छा बनाइए और इसका पिक लेकर मुझे 10% करिए। सो गुड बाय, सी यू, बाय।